और सबसे पहले बात मूर्ति और माफी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विपक्ष को उसी के जाल में फंसा दिया है। शिवाजी की प्रतिमा पर विपक्ष का पूरा गेम पलट दिया है। पीएम मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी है और इस प्रतिमा का लोकार्पण पीएम मोदी ने ही किया था। प्रतिमा के गिरने पर विपक्ष लगातार हमलावर था, पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहा था। पीएम मोदी ने माफी तो मांगी लेकिन वीर सावरकर का जिक्र विपक्ष पर वार किया। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। शिवाजी पर माफी मांगकर और वीर सावरकर का जिक्र कर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र का सियासी सीन पलट दिया है। चार दिन पहले छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। शिवाजी की इस मूर्ति का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रतिमा गिरने पर उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को उसी के जाल में फंसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है, वे हमारे लिए आराध्य देव हैं और मैं सिर झुकाकर अपने आराध्य देव के चरणों में माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने शिवाजी पर माफी मांगकर महाराष्ट्र के एक और महापुरुष वीर सावरकर का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, वो इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं है और वीर सावरकर के अपमान को सही ठहराते हुए अदालत में लड़ने के लिए तैयार है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं के बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी और वीर सावरकर का जिक्र, प्रधानमंत्री का इशारा कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ था। पुणे की एक कोर्ट ने वीर सावरकर के अपमान के आरोप पर राहुल गांधी को समन जारी किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि राहुल गांधी अदालत के समन पर पेश नहीं हुए थे। राहुल गांधी और कांग्रेस कई बार वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव की पार्टी वीर सावरकर के सम्मान का दावा करती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का जिक्र कर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी ये बता दिया कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। पीएम मोदी से पहले सीएम एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि वो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर 100 बार शिवाजी के पैर छूकर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्तों को एक बहुत ही दुख और दर्द देने वाली घटना है। उसी जगह पर शिवाजी महाराज जी का भव्य दिव्य प्रतिमा फिर से लगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और उनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। मी या बद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीने ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा कैसे गिरी इसके कारणों की जांच जारी है।
इसके लिए शिंदे सरकार ने दो जांच टीम बनाई है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में चेतन पाटिल नाम के स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इस घटना को राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की थी, लेकिन PM मोदी ने माफी मांगकर विपक्ष का पूरा गेम ही पलट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और प्रतिमा पॉलिटिक्स के बाद अब कलर की पॉलिटिक्स। यूपी में लाल टोपी पर स्याह सियासत छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच रंगों को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने एक रैली के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं, और इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। तो यूपी की सियासत में अब रंग पर जंग छिड़ी है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज लाल टोपी वालों के काले कारनामों की पोल खोल चुका है। अयोध्या टू कन्नौज समाजवादियों के कारनामों की कहानी बयां कर चुका है। अब उसी लाल टोपी पर सियासत में लाल संग्राम छिड़ चुका है। योगी ने इशारा क्या किया, अखिलेश रंगों का मतलब समझाने लगे, लाल काले में फर्क बताने लगे और प्रेम नफरत का पाठ पढ़ाने लगे। अखिलेश यादव ने लिखा, लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम मिलन मेल मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। काला रंग भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है, जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर परिवार के बच्चों को लगाया जाने वाला काला टीका। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। अखिलेश यादव ने बेशक योगी के बयान पर निशाना साधने की कोशिश की हो, रंगों का मतलब समझाकर उन कारनामों को छिपाने की कोशिश की हो जिसे अयोध्या में सपा नेता मोहित खान तो कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब यादव ने अंजाम दिया। बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है, और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। बात लाल रंग पर छिड़े लाल संग्राम की हो रही है तो योगी के बयान पर समर्थन और विरोध की आवाज भी उठ चुकी है। जहां बीजेपी ने अखिलेश की पार्टी को अपराधियों का आधार बताया, वहीं समाजवादी पार्टी लाल रंग की कहानी बयां कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश में और दुनिया में कानून का डंका बजा दिया है, और आज कानून के माध्यम से पाकिस्तान भी माननीय योगी जी की और मोदी जी की सराहना करता है। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इंसाफ का राज्य है, और कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उन्हें जो दिखाई देता है अखिलेश को, अखिलेश जी की पार्टी ही अपराधियों पर आधारित पार्टी है। लाल रंग से डरने की जरूरत नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और काले रंग पे अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए, लाल को लपेट के कहने का क्या मतलब है। और काला रंग जो इस देश में फासिस्ट विचारधाराओं के जो दल थे, जो विचारधारा थी, उन्होंने काला रंग का वो कहीं कैप लगाते थे, कहीं टोपियां लगाते हैं। तो आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत ही ऐतिहासिक विवरण जो दिया है। खैर, सियासत में रंगों का रंग चढ़ना भी जरूरी है, रंगों के कारनामे बताना भी जरूरी है, क्योंकि जिस रंग को समाजवादियों ने सिर पर सजाया हो उस रंग में रंगे कुछ सियासतदान अब उस रंग को बदनाम करने के लिए मासूम से गैंगरेप, नाबालिग से रेप के आरोप में रंग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
भोपाल में यूथ कांग्रेस की अगुवाई ने सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोला है। महंगाई, पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले जैसे तमाम मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान पुलिस भी सुरक्षा को देखते हुए मुस्तैद नजर आई। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले तक दाग दिए। राजधानी भोपाल में महंगाई, बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अगुवाई में कांग्रेसी सीएम आवास के घेराव के लिए रवाना हुए। उधर पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर किलेबंदी कर रोक लिया। इस दौरान बीवी श्रीनिवास, मितेंद्र सिंह यादव समेत यूथ कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कमजोर नहीं कर पाया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। डरेंगे नहीं है, बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम जो रिपोर्ट। बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे साथ थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें बलपूर्वक रोका गया, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए और युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में जुटे कार्यकर्ताओं पर पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बैरिकेड पर चढ़े जीतू पटवारी पानी के प्रेशर से नीचे गिर गए। वाटर कैनन के बाद आंसू गैस के गोले छोड़कर कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले के कारण कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल यूथ कांग्रेस ने 2 महीने पहले क्या हुआ तेरा वादा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब 4.5 लाख युवाओं ने पोस्ट कार्ड लिखकर समस्याएं बताई थी। इनको लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब देश के दिल से नॉर्थ ईस्ट लिए चलते हैं। असम सरकार ने विधानसभा में 2 घंटे के जुमे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने बकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे नियम को असम में खत्म कर दिया गया और इसे लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। SP और RJD ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया तो वहीं बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा सरमा अपने बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन इस बार वो सरकार के फैसले को लेकर चर्चा में हैं। 2 दिन पहले ही असम से सीएम के मियां मुस्लिम वाले बयान पर विवाद शुरू हुआ था। ये विवाद थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक और धमाका कर दिया। सरकार ने मुस्लिमों से जुड़े 87 साल पुराने नियम को खत्म कर दिया। सीएम ने असम विधानसभा में 2 घंटे के जुम्मे के ब्रेक को खत्म कर दिया है, यानी अब असम विधानसभा से हेमंत सरकार का एक और फैसला, असम में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक खत्म। हर शुक्रवार दोपहर 12 से 2 बजे तक होती थी छुट्टी, 87 साल पुराना नियम खत्म। अगले शुक्रवार से नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे पहले 90 साल पुराने मुस्लिम शादी और तलाक कानून पर असम सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इससे लेकर सियासी विवाद अभी थमा नहीं था कि सरकार के नए फैसले पर सियासत अब गर्मा चुकी है। जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी खत्म किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना रही है, तो समाजवादी पार्टी नेता ST हसन ने कहा कि बीजेपी में मुसलमानों को टॉर्चर करने की रेस लगी है। जबकि असम में बीजेपी विधायक ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस और AIUDF को सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोग गोने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। नमाज पढ़ने जा रहा आदमी कोई क्राइम करने थोड़ी जा रहा है। आपके सोचने का अंदाज देखिए क्या है। ये तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बाकी देश में कोई ना रहे, ना ही उनका कोई
रिचुअल फॉलो। इट इज अ बोल्ड डिसीजन फ्रॉम आवर साइड एंड आई थिंक एवरीबडी शुड रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड द एयूडीएफ एंड कांग्रेस एमएलएस आल्सो शुड थैंक अस। जुम्मे की नमाज के लिए दो घंटे की छुट्टी के नियम को खत्म करने के पीछे सरकार का तर्क है कि ऐसी छुट्टियों को लेकर ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा में कोई नियम है। यही नहीं, दूसरे राज्यों की विधानसभा में भी ऐसे नियम नहीं है, लिहाजा असम विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अंग्रेजों के जमाने के नियम को समाप्त कर दिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने से गुरेज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लग गया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चंपई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान चंपई सोरेन ने जेएमएम पर जमकर हमला बोला। हम जैसा व्यक्ति के ऊपर जासूसी लगा दिया, कितना शर्म की बात है। जो झारखंड के लिए अपना जिंदगी नछार कर दिया है उस सज्जन के पीछे में जासूसी है। छी 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 छी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की मौजूदगी में चंपाई बीजेपी में शामिल हुए। जेएमएम से सियासी सफर शुरू करने वाले चंपाई सोरेन पार्टी के साथ साथ गठबंधन सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे और पांच दशक के बाद पार्टी से अलग हुए तो जेएमएम पर हमलावर नजर आए। जो यहाँ आदिवासी का अस्मिता की बात है, यहाँ का मूलवासी का अस्मिता का बात है, हम इसीलिए हम चुना। यदि आज का समय में यदि हम संताल परगना सिद्धू कानू धरती को यदि बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर ही हम बचा पाएंगे। बीजेपी में चंपाई सोरेन का ग्रैंड वेलकम किया गया। इसको पार्टी की ओर से चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद मंच पर मौजूद दिग्गजों ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। ये चंपाई नहीं है, ये आंधी है। जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपाई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपाई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा, ये मैं आपको आज वादा करना चाहूंगा। चंपाई सोरेन काफी वक्त से नाराज चल रहे थे, जेएमएम पर अपमान का आरोप लगा रहे थे, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थीं और आखिरकार चंपाई बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने जेएमएम में हुए अपमान पर भी अपनी बात रखी। कोल्हान में यदि गुआ गोलीकांड हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी है गोली चलाया है। कहां पर चलाया है? हॉस्पिटल रेड क्रॉस के अंदर में गोली चला के 8 से 10 आदमी को आज वहां पर शहीद करा दिया है। इसीलिए हम सोचा आज झारखंड आंदोलन में बड़ा लंबा समय था मेरा, हर समय कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी पर गोली चलाया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन को अपने पाले में करके बीजेपी ने जेएमएम को बड़ा झटका दिया है। आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में और गर्माहट आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और कोल्हान टाइगर से अब कंगना की स्टोरी की बात करेंगे। कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि फिल्म का सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। रनौत ने इसे लेकर निराशा भी जाहिर की है। फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल फिल्म पर संकट गहराता दिख रहा है। किसान आंदोलन पर दिए गए बयान के बाद आलोचनाओं से घिरी कंगना रनौत ने अपनी फिल्म को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कहा कि इसका सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन रोक दिया है। फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर हो गई थी, लेकिन कंगना के मुताबिक बोर्ड के लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही थी और इस वजह से सर्टिफिकेशन को रोक दिया गया है। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना ने पूरे मामले पर निराशा जाहिर की है। तरह की अफवाहें उड़ रही है कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की और सेंसर वालों को बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडन बाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. दरअसल कंगना रनौत की ये फिल्म इंदिरा गांधी और आपातकाल की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विवाद हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज हुआ था और 6 सितंबर को फिल्म के रिलीज होने की संभावना थी। ट्रेलर के रिलीज होने के बाद सिख संगठनों ने फिल्म के कई दृश्यों को लेकर आपत्ति जताना शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। कई शहरों में फिल्म को लेकर सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया और बैन करने की मांग की है। कंगना ने भले ही सर्टिफिकेशन रोके जाने पर निराशा जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई जारी रखने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बैतूल में धर्मांतरण का खेल उजागर हुआ है। चिचंडा गांव में धर्मांतरण सभा चल रही थी, जब एक युवक ने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी मौके पर पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उधर मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। धर्मांतरण का खेल आखिर कब तक? नहीं रुक रहा धर्मांतरण का डर्टी गेम। गांव में गुपचुप धर्म बदलने की सभा। सभा का हुआ विरोध तो हो गया विवाद। डर्टी गेम उजागर, ईसाई प्रचारक गिरफ्तार। एमपी में एक बार फिर से धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश के बैतूल जिले में ये खेल चल रहा था। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए एक सभा चल रही थी, इस दौरान एक युवक ने विरोध किया तो विवाद हो गया। सभा के दौरान हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं, जिसे सुनकर एक स्थानीय युवक ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर युवक ने गांव के सरपंच और पुलिस को सूचना दी। मुंबई से आए दो प्रचारकों समेत कुल 6 लोगों पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को मौके से धर्मांतरण से जुड़ा साहित्य भी बरामद हुआ है। उधर मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है।